नमस्कार दोस्तों, हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आए हैं खबरें फटाफट। देखते हैं उनकी यह खास रिपोर्ट केवल नवयुग न्यूज चैनल पर। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें अमेठी जिले के तहसील तिलोई से हैं, जहां गुरुवार को सड़क निर्माण की वास्तविकता देखने पहुंचे डीएम अरुण कुमार ठेकेदार पर जमकर बरसे और तिलोई एसडीएम शिवानी सिंह को ठेकेदार को नोटिस भेजकर जवाब तलब करने के निर्देश दिए। बता दें कि 12 करोड़ 41 लाख 90 रुपए के भारी भरकम बजट से सेमरौता हैदरगढ़ सड़क का चौड़ीकरण होना था। ठेकेदार ने कागज पर सड़क का काम 60% पूर्ण दिखाया, जबकि हकीकत में 20% भी कार्य अभी तक नहीं कराया गया है। सड़क निर्माण में खामियां व धांधली देख जिला अधिकारी ने ठेकेदार को तलब करने के निर्देश दिए हैं। खबर नंबर 2, डीएम ने तिलोई बीआरसी का किया स्थलीय निरीक्षण, दिए कड़े निर्देश। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार ने तहसील तिलोई के बीआरसी का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम ने फार्म 66A व 788A की फीडिंग स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का स्वच्छ व निष्पक्ष होना जरूरी है तथा अपात्रों का नाम सूची से पूर्णतः हटा दिया जाए। कर्मचारी गलत फार्मों की फीडिंग ना करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उप जिला अधिकारी शिवानी सिंह सहित तहसीलदार तिलोई भी साथ मौजूद रहे। खबर नंबर 3, समाजवादी ई रिक्शा विजय यात्रा का शुभारंभ। चुनावी सरगर्मियों के बीच तिलोई में सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव की अगुवाई में समाजवादी ई रिक्शा विजय यात्रा निकाली गयी। यह विजय यात्रा लगातार क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करती रहेगी। तिलोई विधानसभा व भावी सपा प्रत्याशी नूर मोहम्मद क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के दुख में शामिल भी हो रहे हैं। नूर मोहम्मद का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिसे भी टिकट देंगे उसे जिताकर विधानसभा भेजा जाएगा।